मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज साउथ खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के व्लॉग्स। और आज मैं हूँ हुनर हाट रामपुर में। और बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि हुनर हाट है क्या। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया हमारा बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ के बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके हुनर हैं, जिससे वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे विश्व में अपने आप को। अलग अलग कल्चर हैं, तो लेकिन अब वो सारे कल्चर को कवर करने के लिए हमें पूरा हिंदुस्तान घूमना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। और अगर कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे आपको सारे कल्चर की झलक सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाए, जहाँ पे आप हिंदुस्तान की झलक देख पाएँ, तो वो जगह है हुनर हाट रामपुर। तो जहाँ पर देश के कोने कोने से अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं अपने अपने हुनर को लेकर, जो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मजबूर कर देंगे हुनर हाट रामपुर में आने के लिए। सो लेट्स गो इनसाइड। पिछले दो दिन से कंटिन्यू में यहाँ कोशिश कर रहा था और आ रहा था, लेकिन इतनी ज़बरदस्त बारिश थी, नेचर का शायद इरादा नहीं था कि हम शूट कर पाएँ। और आज थोड़ा मौसम खुला है तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सब कुछ लगभग स्टार्ट हो गया है। थोड़ा बहुत जो रह गया शायद शाम तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी तो चलें, ये देखिए मेरे सामने मेरा गाँव, मेरा देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए अंदर से गाँव की झलक देखते हैं। तो जी आप कहाँ से आए हैं यहाँ रामपुर हुनर हाट में? जी सर, हम भदोही से आए हैं। भदोही संत रविदास नगर से। कहाँ से? भदोही संत रविदास। भदोही कहाँ पर है ये? मध्य, ये बनारस के पास। बनारस के पास है। अच्छा, पहले बनारस जिला था, भदोही। भदोही जिला है। हाँ हाँ, भदोही जिला। तो ये इसकी क्या स्पेशलिटी है, किस चीज़ की? ये हैंडमेड कारपेट है और ये मीन वुलन। जी, हैंडमेड है। हैंडमेड है सर। तो ये भदोही का स्पेशल है कारपेट, जो ये देश विदेश एक्सपोर्ट भी होता है हमारे यहाँ से, पूरी पूरी दुनिया में कारपेट जाता है, अन कंट्री। अच्छा जी, सारी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है ये भदोही का कारपेट, जो ऊन से बना हुआ है और हैंडमेड है। और इसके अलावा कहीं और भी बनता है या भदोही में ही बनता है? ये कारपेट तो भदोही बनता है, जो उलन बनता है वो भदोही बनता है। उलन कारपेट बनता है वो सिर्फ भदोही में ही बनता है, यहीं से सब जगह, इंडिया में भी सब जगह यहीं से जाता है और अलग कंट्री विदेश भी जाता है। बाकी इसके अलावा अक्रॉस द कंट्री बाकी सब जगह भी यहीं से जाता है भदोही से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद शेख। जावेद शेख है। तो आप यहाँ रामपुर हुनर हाट में आए हैं इसकी प्रदर्शनी के लिए। तो अभी दो दिन से बारिश था तो बेसिकली आज से कम लगभग शुरू हुआ है। तो ठीक है सर। नहीं, इसके पहले क्या नाम है जो था, तो कुछ मतलब छोटा मोटा मतलब सेल किया हमने। अच्छा अच्छा, लेकिन आज से पब्लिक थोड़ी सी अवेयर होगी क्योंकि बारिश रुक चुकी है। तो जी बारिश रुक गई है, रामपुर हुनर हाट आपका वेलकम के लिए तैयार है, मौसम साफ हो चुका है, तो आप लोग आए और जावेद शेख जी के आप यहाँ ऊन से बने ये कारपेट देखें। और कारपेट ऐसी चीज़ें जो आपके लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके घर में आप अपने फ्लोर पर अगर कारपेट यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा है। तो ऑल द बेस्ट। स्टॉल नंबर 239 रामपुर हुनर हाट, प्लीज़ कम ओवर हियर।
और बाकी जैसे आपको अटेंड करेंगे मिलेगा, नेगोशिएबल है, आप रेट भी जनरली इनको मिल सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, बाकी आगे और मिलते हैं। थैंक यू। और जैसे पूरे देश के अलग अलग कोने सब लोग मौजूद हैं, इसी तरह मुरादाबाद से आए रईस राजा साहब। मुरादाबाद एजीनो पीतल का हब है, ब्रास सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है मुरादाबाद को। ब्रास के जितने भी यूटेंसिल्स हैं और जितने भी इंटीरियर डेकोरेशन का आर्टिकल्स हैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी मुरादाबाद से एक्सपोर्ट होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सारे चीज़ें ब्रास से बनी हुई, इसमें वर्शिप के आइटम्स भी हैं और ये भी पीतल का ही है और इस पे ब्रास पे शायद सिल्वर कोटिंग हुई हुई है। ये भी ब्रास का, ये इस पे सिल्वर कोटिंग हुई हुई है, जो वाइट है सिल्वर कोटेड और जो ओरिजिनल कलर होता है ब्रास का वो ये होता है, जस्ट लाइक अ गोल्ड। बस गोल्ड और ब्रास में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि ब्रास को थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए बामुकाबले गोल्ड के, अदरवाइज ये गोल्ड की तरह लगता है। और ये वॉल ट्रीज हैं, बाकी चीज़ें हैं। और अगर आप लोग रामपुर हाट विजिट करें तो रईस भाई काउंटर नंबर 1396 पर भी आइए और ब्रास की चीज़ों को ले सकते हैं अपने घर में डेकोरेशन करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट मिस्टर रईस साहब, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मौसम सही हो चुका है और आने वाले दिन अच्छे आए और खूब अच्छी सेल हो और लोग जो हमारे टैलेंट हैं वो सारी चीज़ों को लोग पहचाने। ओके, थैंक यू रईस भाई, थैंक यू। और काउंटर पर है रामपुर के फेमस ओसामा के काउंटर पर, जो कि हैंडमेड एक्वेरियम है और आप देख सकते हैं इसमें क्या फैसिलिटी। इसमें आप बता रहे थे कि शायद हमारा जो काच का ढक्कन बना पूरा काच का ढक्कन होता है और जब ये चीज बनती है पूरी एक एक पट्टी कट करके पेश करके पूरा दो दिन में ढक्कन हमारा रेडी होता है। बाकी सब पट्टी होती है, बाकी सब डेकोरेशन अलग होती रहती है डिमांड के ऊपर, जैसे डिमांड वाली डेकोरेशन होती है। बाकी सारा यहाँ पर ग्लास का है, सारे साइज अवेलेबल हैं, सारे साइज अवेलेबल। अगर इससे बड़ा भी चाहिए तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो बन जाएगा, 8 फीट 10 फीट जो भी आपका साइज है। ठीक है, अपना शॉप नंबर है 1394 पे ओसामा बिन सराज के काउंटर पर आप आ सकते हैं और अपना मन चाहे एक्वेरियम आप दे सकते हैं। बहुत लोग इसका बहुत शौक होता है तो आप आइए यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो और कुछ चीज़ें वो भी चल रहे हैं हल्के कवर कर रहे हैं, काउंटर बहुत सारे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं सारे काउंटर कैसे कवर कर पाऊंगा, लेकिन जो भी फैसिलिटी जितनी मैं दिखा सकता हूँ उतनी मैं दिखाऊंगा। बाकी तो आपको यहाँ आना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को देखने के लिए। सो कीप वॉचिंग और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके ओसामा, चलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। और बहुत ही अनबिलीवेबल ऐसे काउंटर पर हूँ और मेरे साथ हैं मिस्टर शिवम जो गाज़ियाबाद से हैं। और ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं ये जो है सारी हमारे वेस्ट से बनी हुई हैं, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। जो चीज़ें हम वेस्ट कर देते हैं उससे ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, रिसाइकिल की गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये क्या इसमें स्पेशल कुछ आपका स्पेशल हमारा होता है, एक हम मॉडरेट टेम्परेचर पे ले जाके प्लास्टिक को ऐसे मेल्ट करते हैं या फिर उसे बनाते हैं जिससे वो अपने मॉलिक्यूल्स टाइट कर लेता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आने के बाद हमारा आर्टिस्टिक वर्क उसमें स्टार्ट होता है। आर्टिस्टिक वर्क के साथ साथ हम इसे जैसे स्कूल बेंच हो गया, बच्चों के लिए चेयर हो गए और डियर वॉल म्यूरल्स हो गए, इन सब इसमें आपके अलग अलग वो हैं जो रेगुलर बन रहे हैं। हाँ मतलब अच्छा, हमारा सामान ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर को जाता है, जैसे गाज़ियाबाद नगर निगम को जाता है और अभी प्ले स्कूल वगैरह में जाती हूँ। प्ले स्कूल गवर्नमेंट के लिए आपका ज़्यादा कॉन्टैक्ट है। तो जो हम चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, जो हमें समझ में आता है कि सारी बिल्कुल बेकार चीज़ें मतलब फेंक देते हैं कचरा समझ कर, उस कचरे से आप देखिए कि क्या बनाया गया।
मतलब आई कांट बिलीव कि ये सब कुछ इतना फिनिशिंग के साथ तो उस लेवल पर जाकर साइकिल करते होते हैं। हाँ। तो इसमें आप बहुत बहुत चीज़ें आर्टिकल होंगे आपके पास, तो जैसे डियर है इसमें और सारे भी एनिमल्स होंगे, बेंचेस वगैरह होंगी, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी हसीन चीज़ है यार, कितनी यूज़फुल चीज़ है। आइए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से और दिखाता हूँ इसको। आप देख सकते हैं ये डियर, ये ओहो, मेड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, आई लव रिसाइकलिंग। मैं साथ खान, मेरे साथ हैं शाकिर साहब, और जो सहारनपुर से यहाँ आए हैं, और आप देख सकते हैं ये सब सहारनपुर का फर्नीचर है, और हमारा जो इंटीरियर है जो हमारा घर, उसमें अगर हमारा फर्नीचर अच्छा हो तो फिर क्या बात है, आपका घर लाजवाब लगता है। तो उसमें साइड टेबल्स हो, ये काउच हो, जो भी चीज़ें हों, ये सहारनपुर में बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं इंडिया में, ऑल यू नो। और बाकी यहाँ रामपुर हुनर हाट में लगी हुई हैं आपके शहर में, तो आप इजीली यहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। बाकी शागर साहब बताएंगे आगे खासियत क्या है इस फर्नीचर की। ये सारा आपका लकड़ी का है? जी सर, ये सब लकड़ी का है, बहुत अच्छे से बना रखा है। कौन सी लकड़ी यूज़ करते हैं सर इसमें? हम सागवान, शीशम, आम और ये नीम भी यूज़ करते हैं। नीम, आम, सागवान, शीशम सब यूज़ करते हैं? जी सर। काफ़ी कॉस्टली लकड़ी होती है शीशम की तो? जी सर। अच्छा, तो इसमें ये आप ऑर्डर पर भी बना देते हैं? ऑर्डर पे भी बना देते हैं, और हमारा ऑनलाइन पे भी है, ऑनलाइन पर भी है, अमेजोन वगैरह पर भी ऑनलाइन आपको सब चीज़ अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सामने कोई चीज़ देख के खरीदोगे तो उसकी तो बात ही कुछ और है। और इस वक्त आप ये रामपुर में जहाँ और भी सारे कल्चर मौजूद हैं वहाँ ये भी हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी इसे यहाँ से लेके जाने में। तो उसमें साइड कॉर्नर्स, टेबल्स और ये सारी चीज़ें ही हैं। आइए दिखाते हैं ये आपके आइटम्स हैं। ये साइड कॉर्नर सब हैंडमेड, पूरा वुडन, फ्लावर बॉक्स वुडन है, आप देख सकते हो फ्लावर बॉक्स शानदार। कहाँ रखा हुआ था? ओके, और ये देखिए आप लाजवाब। मेटल में भी काम करते हैं, प्लांटर है, ये भी सब हैंडमेड है, ये सब सब हैंडमेड है, ये भी प्लांटर है, कितना भी वेट डाल सकते हैं। लॉन्च में ही हो तो क्या बात है। गुड इवनिंग एवरीवन, और पूरा दिन गुजर चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर, और वैसे भी आप जब कहीं आओगे तो कुछ खाओगे भी। मैंने गलती की थी कि आई हैड माई मील, इस वजह से इतना कुछ ज़्यादा नहीं है अंदर, लेकिन आप जब यहाँ आओ तो प्लीज़ करते कुछ खा के मत आना, क्योंकि यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। मेरे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो सब वेज है, और अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो सब नॉन वेज है। तो ये सभी लोगों का ध्यान रखा गया है, जो जो खाना चाहे वो खा सकता है। मेरे साथ हैं सुरूर, और जो कि रामपुर से ताल्लुक रखते हैं, और रामपुर की बहुत सारी डिशेज फेमस हैं, जिसमें से एक डिश है गुलत्थी, और इसके बारे में शायद सुरूर मुझसे बेहतर आपको बता पाएंगे। तो सुरूर, ओवर टू यू, कि कैसे बनती है, क्या बनती है भाई? जी पहले मैं बता दूं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, सब यहाँ के लोगों का शुक्रिया। मैं जो हूँ शेफ सुरूर, मैं प्रमोट कर रहा हूँ रामपुर की क्यूजीन को, जो रामपुर की क्यूजीन ख़त्म होती जा रही है, हम उसे कर रहे हैं।
और ये हमारी गुलत्ती यहीं की रामपुर की डिश है जिसको नवाबों ने बनवाया और ये आपको और नवाब रामपुर की टाइम की बनी हुई है जी। उन्हीं का फार्मूला था, उन्होंने शेफ के थ्रू ये एक नायाब चीज़ बनाई थी जिसे आप नायाब कह सकते हैं। बिल्कुल आप देखिए चक्कर, तो मैं चक्कर देख रहा हूँ भाई। गुलत्ती पहले आप इसे करीब से देख लीजिए, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और बाकी किस चीज़ किस किस चीज़ से बनती है? दूध को बहुत ज़्यादा खुशक करा जाता है दूध को। जब आप दूध खुशक कर लेंगे तो फिर उसमें मावा डालेंगे, फिर उसे फिर चलाएंगे मावा और चावल पड़े होते हैं और इसमें इसके पेट में आप चिरौंजी डाल सकते हैं, मतलब जब बन रही हो जब चिरौंजी, और ऊपर से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ ऐसा कह दूँ कि बहुत लजीज है, तो आपको लगे शायद मैं सिर्फ उनके सामने कह रहा हूँ कि सच में बहुत लजीज है। और आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू प्लीज़ गाइस कि जब आप रामपुर हनर हाट विजिट करो, वेज नॉन वेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सभी खा सकते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रामपुरी गुलत्ती। मैं भी रामपुर तालुका से मैंने बहुत खाई है ये, लेकिन इसका फार्मूला शुरू ने मुझे लगभग बताया है और सच में बहुत लाजवाब है। शेफ रूल मेरे साथ हैं और ये इसके साथ साथ और भी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं रामपुर में। दाल सोंधी बनाई है हमने, दाल सोंधी जी, यखनी पुलाव, रामपुरी यखनी पुलाव, रामपुरी यखनी पुलाव और दाल सोंधी भी इनके काउंटर पर आपको मिलेगा। F8 रामपुरी जायका, इसमें आप आ सकते हैं और रामपुर के जायकों से रूबरू हो सकते हैं जिसमें आपको ये मीठे में गुलत्ती मिलेगी। ये सर राजस्थानी दाल बाटी है, बाटी है ये बाटी। ये दाल है, ये बेसन गट्टे की सब्जी है, बेसन गट्टे की सब्जी है, मूंग की दाल का हलवा है, ये चूरमे का लड्डू है, स्वीट में मावा कचौरी है, नमकीन में आलू प्याज की कचौरी है, मूंग की दाल की कचौरी है, जोधपुरी मिर्ची बड़ा है, मूंग दाल पकौड़े हैं, जलेबी भाई। अगर आप इतना कुछ एक साथ खिला दोगे तो क्या इतनी जगह होगी पेट में या रोज एक डिश ट्राई करना है? बिल्कुल सर, उसमें ट्राई करेगा तो बंदे को दूसरी डिश ट्राई करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, एक के बाद दूसरे करना मजबूरी है, दूसरी करनी पड़ेगी। ओके तो जी, राजस्थानी जायके से लबा रहे भी ये काउंटर जिस जो है रामपाल जी नागौर राजस्थान से हुनर हाट में F34। अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो यहाँ आए, और उसके बाद कुछ मीठा खाना करने मन कर रहा है तो भी यहाँ ही आए। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। देख सकते हैं वेज चीज बर्गर, स्ट्रीट फूड में बेस्ट बर्गर है। तो जी हम इस वक्त हैं स्टॉल नंबर F10 यानी F10 पर, जो है जायका दरबार महफूज रामपुर की तरफ से उत्तर प्रदेश, और पेश है 1 मीटर लंबा चिकन कबाब। तो ये एक आदमी के लिए है, पूरी फैमिली के लिए है ये सर, इसको चार लोग भी खा सकते हैं। चार लोग भी खा सकते हैं, लगभग इसमें एक सीख में कितने कबाब निकल आएंगे? इसमें 6 पीस है, इसमें लगभग 6 पीस निकल आएंगे, यानी अगर एक आदमी 6 कबाब खाना चाहे तो उसमें एक सीख काफ़ी है। वैसे ये रिप्रेजेंट थाल में होता है पूरी चाय थाल जो हमने बनाई है जायका दरबार स्पेशल। ओके तो उसके साथ में बिरयानी होती है, टिक्का होता है, कबाब होते हैं, चपले कबाब होते हैं, तो 4 से 5 चीज़ उसमें रहती है। उसमें ये इतना बड़ा कबाब जाता है, उसमें ये कबाब जाते हैं। तो भाई ये आम कबाब नहीं, शाही कबाब है। तो इस शाही कबाब को खाने के लिए आपको आना होगा रामपुर हुनर हाट और महफूज साहब के काउंटर पर, जो है F10 हुनर हाट पर। और इस कबाब के साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे टिक्का, बर्रा, शॉर्मा मिलेगा आपको, मिलेगा चिकन मसाला टिक्का, सोना टिक्का, काफ़ी सारी वैरायटी। और यहाँ पे हमारे पास कीमा लगा और के साथ साथ में है हमारे पास कीमा और पराठे, कीमा पराठे भी है, गलौटी कबाब भी है, चपले कबाब। ओहो भाई, इतने सारे नाम सुन के पेट भर जाएगा। और हमारा जो स्पेशल जो है हमारा जो वो लगा हुआ है
यहाँ पे अदरक का हलवा है, नीम का हलवा, वो हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? रामपुरी शाही गुलत्ती, ये यहीं पे है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ओके। अभी निकाल के वो अदरक का हलवा, बैनर भी लगा, हाँ बैनर भी लगा हुआ सब उस पे। नीम का हलवा कड़वा नहीं होगा? नहीं मीठा होगा। मीठा नीम का हलवा, मीठा नीम का हलवा, वो भी मीठा, ये अपने आप में एक काजू बना मिसाल है। और अदरक का गुलत्ती इस तरीके की। तो यहाँ बहुत सारे, जैसे मैंने बताया शॉपिंग के लिए अगर बहुत कुछ है तो यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, जितनी वैरायटी आप चाहें उतनी खाएं। अभी 8 दिन के हुनर हाट यहाँ लगी हुई है, अगर एक्सटेंड होती है तो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, और नहीं होती है तो इतने दिन में आप यहाँ आएँ। और जैसे वर्थ विजिटिंग प्लेस जायका दरबार हमारा जो कोटू चुंगी पे है अभी, और अगर यहाँ हुनर हाट के बाद भी आपको इनके जायके की आदत पड़ जाए और आपको चाहिए कि आपको इनके जायका खाना है, तो आप सिर्फ यहाँ तक के लिए, ये बाउंडेशन नहीं है, आप चुंगी पर रामपुर में हाईवे पे फोटो एक जगह है जहाँ पे इनका जायका दरबार है, वहाँ पे फोटो चुंगी पर, फोटो चुंगी पे जायका दरबार के नाम से अम्मा गेट, बी अम्मा गेट पे जायका दरबार के नाम से होटल स्टार्ट किया है। तो वहाँ जाके आप इन खानों का मजा ट्रिप चाय प्लेस शाही दस्तरखान के साथ है, वहाँ पे दस्तरखान भी लगा हुआ है हमारा बहुत अच्छा करके, शाही दस्तरखान के साथ आप इन खानों का मजा ले सकते हैं जायका दरबार। जितना कैच कर सकता था मैं इस कैमरे में मैंने कैच किया है और शूट किया है और उसको एक्सप्लोर किया है आपके साथ। तो बाकी तो जो यहाँ का फील है वो जब ही आएगा जब खुद यहाँ आएंगे रामपुर हुनर हाट में, तो जो भी कल्चर है हमारे देश का उसकी बहुत सारी झलकियाँ मैंने आपको दिखाई। और आपसे रिक्वेस्ट है और मेरे ख्याल से मेरा सजेशन भी है कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, इट्स अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। तो तब तक के लिए गुड बाय, बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।